होल्स करते टाइम इनके बीच में मैंने लाइन खींची थी, यू कैन सी दैट। ये देखो लाइन खींची पड़ी है, एक दो तीन, तीन लाइन्स खींची थी। देन लाइन खींचते टाइम आई रियलाइज कि मेरी ज्योमेट्री जो मैंने सेवेंथ एट क्लास में पढ़ी थी, लाइन्स खींचना, आई वुड हैव प्रैक्टिस मोर। वेलकम बैक गाइज टू अराफ व्लॉग्स। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो, बेसिकली अ सीरीज, अ कंप्लीट सीरीज ऑफ हाउ टू बिल्ड अ स्कूल। स्कूल बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड, इट्स व्हेन यू कंबाइन इलेक्ट्रिक स्कूटर विद अ साइकिल। फॉर दैट आई हैव मेड अ सीरीज बिकॉज आई हैव सीन मेनी वीडियोज जो लोग डिटेल्स बताते हैं, खाली डिटेल्स बताते हैं, उनकी वीडियो में बिल्ड नहीं होता, खाली डिटेल्स बता के पका देते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिल्ड दिखाते हैं एंड दे गो लाइक वेरी क्रेजी, वेरी फास्ट, सो उनका कुछ समझ में नहीं आता। So I'll be building a complete series and will cover the short to short part, choti cheez, I'll explain you in details. And basically I am at Jama Masjid Motor Market, you can see behind me, pura ye market idhar hai and idhar bhi hai, and behind me is the Jama Masjid. I thought why not to start things like this because most of the part I'll be using it from junk. Most of the name, basically the base, the frame I'll be creating from the junk. And for creating the frame I'll be needing some angles, L wale jo angles hote, and obviously a swing arm for the back, and for the handle I'll be attaching a complete handle. So things are planned, hope you stay tuned. Agar aap naye channel mein, so please subscribe Araaf Vlogs, and let's see what we do in this episode 1. This is day 2, let's see how we rock. Motor market is closed now because it is Sunday and I was not remembering that. So basically pura behind me sab motor parts milta hai, it's basically a whole junkyard where you can find choti cheez, all the spare parts of car, mobiles, car, bikes at extra, mobile things, automobiles basically. So most of the parts I'll be buying from these kinds of shops jo ki mere ko bahut help karne wali aage mein, so hope you stay tuned, stay connected and watch the whole series. This is episode 1, day 2, because day 1 jo tha wo kal tha, 23rd feb. Right now the date is 24 and it's 4:36 pm right now. Day 2 ye hai. Day 1 wo tha because 22 tarikh ki raat ko I just started planning all these things, and 23rd ko I just took the initiative and bought some parts. Right now at this is my workshop. अभी जो वरंडा काम वाम है, यहाँ चीज़ें पड़ी हैं, इलेक्ट्रिक शोले स्कॉल बिल्ड स्कूल बाइक बिल्ड के लिए, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। एंड अभी थोड़ी देर में पार्ट्स आपको पता चल जाएंगे, हर चीज़ छोटी चीज़ मैं डिस्क्राइब करूँगा, सो यू विल बी एबल टू सी दैट। एंड मेरा जो बेसिकली फ्रेम अभी बना है वो बना है 30x11 का, मैंने लेके चला था ये जो स्केटबोर्ड है ये रखा हुआ, द बेसिकली दिस वॉज द फ्रेम, दिस वॉज द बेस, मैंने इतना ही साइज रखा था, बट वो करते करते कुछ इस साइज का बन गया। यस, सो होप यू गाइस आर सीइंग मी। सो राइट नाउ रिवीलिंग द पार्ट्स इन 3, 2, 1। वेरी हैवी, कल रात को लाने में इसमें वाट लग गई थी, एंड चिल्ड्रंस हैव प्लेड विद इट, वो प्लास्टिक के चम्मच आ रखे थे। सो दीज आर द एंगल्स विच आई बॉट, यू कैन सी दैट एंगल्स, एंगल्स की डायमेंशन है 2, सो इट्स 2x2, 2x2, एंड एक है बेसिकली अप्रोक्सीमेट साइज है, एक का 12.5, एक का 13.5 इंच। ये काटते टाइम ऐसा हो गया था, सो वन इज़ बिगर, वन इज़ स्मॉलर, यू कैन सी दैट, बड़ा छोटा है, एक इंच का फर्क है, दैट्स गोना वर्क फाइन। एंड दिस इज़ द साइड ऑफ द फ्रेम, ये कम्प्लीट 30 इंच के, मीन्स 2.5 फुट के दोनों एंगल्स हैं। सो देर आर टोटल ऑफ 4 एंगल्स विच आई हैव टेकन। देन इज द स्विंग आर्म, दिस इज द स्विंग आर्म, ये कौन सी बाइक का है, ये करिश्मा बाइक जो आती है, यू हैव सीन मेनी टाइम्स, अब शायद डिसकंटिन्यू हो गई, आई डोंट नो दैट, अब ऐसे चांसेस हो गई है, अब पुरानी भी हो चुकी है करिश्मा। सो दिस इज द स्विंग आर्म ऑफ करिश्मा बाइक। राइट नाउ गैदर दिस पार्ट्स, एंड ये नट एंड बोल्ट्स ये स्विंग आर्म के थे, बिकॉज मैंने जब खरीदा स्विंग आर्म के साथ नट बोल्ट्स नहीं थे उसको अटैच करने के लिए। ये आई होप आई एम ऑडिबल, आई डोंट नो। एंड दिस इज़ अ शीट, बेसिकली इसको कहते हैं चद्दर,
इट्स 0.25 सेंटीमीटर्स थिक, सो मतलब समझ जाओ कितनी स्ट्रेंथ होने वाली है इफ़ आई अटैच दिस टू माई दिस होल, यू नो इफ आई अटैच माई एंगल टू द स्विंग आर्म. सो इसमें मैंने कल चार होल्स करे थे, हर होल्स करते टाइम इनके बीच में मैंने लाइन खींची थी. यू कैन सी दैट, ये देखो लाइन खींची पड़ी है, एक दो तीन, तीन लाइन्स खींची थी. देन लाइन खींचते टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरी ज्योमेट्री जो मैंने सेवन एट क्लास में पढ़ी थी, लाइन्स खींचना, आई वुड हैव प्रैक्टिस मोर बिकॉज लाइन खींच रहा था मैं कल, तो टेढ़ी टेढ़ी बन रही थी. सो जो सेवन एट क्लास का कोई भाई भाई है देख रहा है, सो भाई प्लीज़ पढ़ाई करो अच्छे से बिकॉज दिस इज़ श्योरली गोना वर्क ऑन फ्यूचर. एंड आई हैव प्रैक्टिस जो स्ट्रेट लाइन खींचना, तो ये स्ट्रेट लाइन खींचा है. उस स्ट्रेट लाइन ना खींचने के चक्कर में उस टाइम ये होल्स थोड़े टेढ़े बने. यू कैन सी दैट जो ये वाला होल है ये भाग गया हल्का सा. सो आई विल प्रॉब्ली फिक्स देम ऑल. सो राइट नाउ इट्स टाइम टू गेट दिस थिंग कट. सो मैं अभी थोड़ी देर में कटवा के आ जाऊँगा, देन आई विल मेक द होल थिंग्स एंड आई विल कंप्लीट दिस बेस एंड यू गाइस विल सी दैट. चाओ. सो आई जस्ट स्विच द प्लेस, लेट्स सी दोनों की लाइट्स में कौन सा फ़र्क होता है. आई गेस दिस वन इज़ बेटर देन दैट बिकॉज अभी चेयर उस साइड थी बैक साइड एंड मैं उस साइड था. राइट नाउ इट्स अपोजिट चेयर उस साइड एंड आई एम लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ. व्हाट हैपेंस एंड हाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ गोना वर्क, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड राइट नाउ आई एम श्योरली यू नो आई एम वेरी नर्वस ऑन वर्किंग ऑन दिस, दैट इज़ द रीज़न. मैं कभी कभी साइन करता हूँ बिल्कुल शांत एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स क्वाइट राइट नाउ. इट्स प्रॉब्ली संडे एंड मोस्ट ऑफ द दुकान्स आर क्लोज्ड एंड अभी कटवाना है इसको एज आया जब मैंने दिखाया आपको. And we'll see how this thing fits on this swing arm and that swing arm to the angle. जब ये सब कटवाने के बाद I'll probably weld it all. And thumbnail जो भी मैं रखूँगा इसका I guess angles का ही रखूँगा, दरवाजा को ऐसे रखूँगा. And जब bike build हो जाएगी complete, series जब complete हो जाएगी then I'll change the thumbnail with the bike. So right now I don't know which thumbnail I'm gonna put on. So stay connected, stay tuned, watch now. So now what I have done till now, I just bought the swing arm. Swing arm लेने के बाद वो बहुत ही गंदा था, so I just clean it all and clean करने के बाद ये सारी मट्टी देख रहे हो आप, ये ऊपर वाली नहीं, ये साइड में नीचे, यस, इतनी सारी मट्टी निकली स्विंग आर्म करने साफ़ करने के बाद. उसके बाद उसमें रस्ट लगा हुआ था जो मैंने पूरा नहीं निकाला. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट राइट नाउ एंड देन आई बाय सैंड पेपर टू जस्ट क्लीन द रस्ट. रस्ट क्लीन करने के बाद पूरा स्प्रे पेंट पूरा कंप्लीट होगा. एंड सेकेंड थिंग स्विंग आर्म के बारे में एक सेकंड में आता हूँ मैं अभी. आई बॉट दिस एंगल्स, एंगल्स के बारे में अभी मैंने डिस्क्राइब कर दिया. टोटल चार एंगल है, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन. उसके बाद 0.25 सेंटीमीटर थिक की शीट है, दिस इज़ वेरी मोटी. इसमें होल करते टाइम जो मैंने बिट ली थी, बिट थोड़ी यू नो उसकी धार कम थी, सो उसकी धार कल ठीक करी. बिट लेने के बाद जो नट था, ये देखिए नट, दिस इज़ द नट्स, नट्स एंड बोल्ट्स, नट एंड बोल्ट्स बेसिकली. सो लेने के बाद एक प्रॉब्लम ये आई कि जो मेरा साइज़ था बिट का दैट वॉज इक्वल टू द नट, बट जब मैंने होल कराया दैट नट वॉज नॉट गोइंग इन साइड द होल. सो टू फिक्स दैट आई जस्ट चेंज द नट. थोड़ा पतला है, इट्स ये है तीन सूत का, तीन सूत चार सूत, आई डोंट नो वॉट इट इज़ मेजरमेंट. ये जिस हार्डवेयर की दुकान से मैंने ये लिया था, ये जस्ट सेट दैट. एंड इफ़ यू गाइज नो वॉट इज़ सूत, सो प्लीज़ लेट मी नो, आई रियली वांट टू नो वॉट सूत. And coming back to the swing arm, it's very heavy man. ये swing arm है और जो swing arm के बीच में circle है, this ये जो circle है इसकी है जो you know its diameter is 0.5 centimeter. सॉरी आधा इंच, 0.5 इंच का इसका डायमीटर है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बोल्ट लिया है और उसी के अकॉर्डिंग ये इसमें होल्स हुए हैं. सो आई विल बी फिक्सिंग दैट एंड यू गाइस विल सी. दैट्स द प्रोग्रेस आई हैव डन टिल नाउ. इट्स डे टू एंड लेट्स सी इन हाउ मेनी डेज वी कंप्लीट दिस होल प्रोजेक्ट.